बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पेरम्बूर इलाके के सद्यापन स्ट्रीट में उनके घर में चाकू मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पेरम्बूर के पास ही सेम्बियम में भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने घर के पास दोस्तों और समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7 बजे 3 लोग बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं गिरोह में और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक जब तक बीएसपी नेता करीबी उन्हें बचाने के लिए दौड़कर पहुंच पाते, तब तक अपराधी उन पर हमला कर चुके थे और वो खून से लथपथ होकर भाग गए। ऐसे में तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के दोस्त जब उनसे बात कर रहे थे, तभी अपराधियों का गैंग वहां पहुंचा और चाकू दिखाकर धमकाने लगा, जिसके बाद उनके दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए। वहीं आर्मस्ट्रांग की चीखें सुनकर उनके परिवार के सदस्य दौड़कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें थी। आर्मस्ट्रांग के परिजन उन्हें 1000 लाइट्स के ग्रीम्स रोड के एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटने की सूचना मिलने के बाद डीएसपी आई और ईश्वरन की एसपी प्रवीण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और वहीं सेम्बियम पुलिस इंस्पेक्टर चिरंजीव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और इस घटना की है जो अब जांच करेगी। आपको बता दें पुलिस ने फिलहाल इलाके को अपने कब्जे में लिया है। आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे, जिन्होंने साल 2006 में स्थानीय निकाय चुनाव में शहर के एक वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और 2007 में बीएसपी की कई राज्य इकाई का सदस्य उनको बनाया गया था। वहीं अब इस बात को लेकर मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मायावती ने शुक्रवार देर रात एक्स पर जारी कर अपने बयान में कहा है कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर गई हत्या की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। पेशे से वकील आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ लंबित सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं एक जोरदार झटका लगा है। मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उनकी पार्टी लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होना उनके कार्यकर्ताओं और उनके उम्मीदवारों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में मायावती अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए आकाश आनंद की एंट्री तो करा देती हैं, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगी और इस होने वाले उपचुनाव में मायावती क्या अपना फिर से दमखम दिखाते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।